हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अर्चना चौहान और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लास फोर्थ चैप्टर मेजरमेंट एंड इसमें भी जो टॉपिक है लेंथ, उसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कन्वर्जन में। हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर टू मीटर, मीटर टू किलोमीटर, है ना, मीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मीटर, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर एंड मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। ये थ्री टाइप्स ऑफ कन्वर्जन हम लोग यहाँ पर लर्न करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट फ्यू फॉर्मूलाज। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, सेकेंड इज 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर एंड नेक्स्ट इज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm एंड 1 mm इक्वल्स टू 1/10 cm। करेक्ट, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। 5 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मैनी मीटर्स। सो एज यू नो 1 किलोमीटर में हमारे पास कितने हैं, 1000 मीटर हैं। सो सोच के देखो जरा कि 2 किलोमीटर में कितने होंगे, 2000 मीटर होंगे। कैसे आया होगा, 2 को मल्टीप्लाई किया होगा हमने 1000 मीटर से, तब हमें क्या मिला होगा, 2000 मीटर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमें 5 किलोमीटर में पता करना है कि कितना मीटर होगा, तो सिंपली इन प्लेस ऑफ 1 किलोमीटर यू विल राइट हेयर 1000 मीटर। सो यू विल मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, सो यू विल गेट 5000 मीटर। सो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर विल बी 5000 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन 8 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। सो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 8 मीटर में कितना होगा, 8। इस मीटर को आपने बहुत ध्यान से देखना है, इस मीटर के प्लेस पे मैं क्या लिखने जा रही हूँ, 100 सेंटीमीटर। सो ऑन मल्टीप्लाइंग यू विल गेट 800 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इट्स आंसर विल बी 800 सेंटीमीटर। नाउ थर्ड वन इज 9500 मीटर को हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि इन 1 किलोमीटर देर आर 1000 मीटर, बट इन 1 मीटर देर आर 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, तो जब भी हम बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमने किया किलोमीटर से मीटर में, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000। जब भी हम स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो हम करेंगे डिवाइड बाय 1000। करेक्ट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या मिलेगा, 9500 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, तो क्या आएगा, 95 किलोमीटर। ठीक है, सो इट्स आंसर इज 95 किलोमीटर। नाउ सिमिलरली वी हैव 6200 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। अगेन स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट, तो आपको याद रखना है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 1/100, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू बनेगा ये 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, फोर्थ क्वेश्चन, 6200 सेंटीमीटर है, हमने कन्वर्ट करना है मीटर में, डिवाइडेड बाय 100 मीटर। जीरो से जीरो कट, देन यू विल गेट 623 मीटर। सो आंसर क्या हो जाएगा, 623 मीटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, 76 सेंटीमीटर। सो आपको फिर से यहाँ ध्यान देना होगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm, बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट, वी आर कन्वर्टिंग हेयर बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10 mm।
सो इट वुड बी 760 mm. ठीक है. सिक्स क्वेश्चन, 570 mm, 570 mm. फिर से देखो, स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट, सो वी विल डिवाइड बाय 10 हेयर. सो 570 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, 0 से 0 कट, देन योर आंसर विल बी 57 सेंटीमीटर. ठीक है, 57. नेक्स्ट इज 709 mm, को आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में. तो यहाँ पर दो मेथड हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के. मेथड वन मैं बता रही हूँ आपको. मेथड वन क्या होगा कि 1 mm में हमारे पास होते हैं 1/10 cm. तो आप सिंपली क्या करो, 10 से डिवाइड कर दो इसको. ठीक है, जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसे जाएगा, 10 7 जा 70, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, नेक्स्ट इज 9, 9 में जाएगा नहीं, तो 0 टाइम्स इसको हम करेंगे. तो जब हम 0 टाइम इसमें डिवाइड करेंगे तो 9 में 0 टाइम्स जब जाएगा तो 9 ही बचेगा. ठीक है, यहाँ जो रहेगा वो बिगर यूनिट होगा, दैट्स मीन ये हमारा यहाँ से बनेगा सेंटीमीटर, और यहाँ जो बचेगा रिमाइंडर वो होगा मीटर. ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 70 सेंटीमीटर 9 मीटर. ठीक है, पहला मेथड समझ आ गया, 70 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर, करेक्ट. अब सेकेंड मेथड आपको समझाती हूँ मैं. सेकेंड मेथड क्या होगा, सेकेंड मेथड होगा कि 709 mm को आप ऐसे ही लिख लें. ठीक है, इसको टू पार्ट्स में ब्रेक करें. कैसे, 700 सेंटीमीटर प्लस 9 मिलीमीटर, 700 मिलीमीटर ही लिखेंगे, सेंटीमीटर नहीं. 700 mm प्लस 9 mm, करेक्ट. इसको हम लिख सकते हैं 70 × 10 mm. क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm हमारे पास होते हैं. सो 10 mm मीन्स सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर 9 mm. सो 70 सेंटीमीटर 9 mm, इट कैन डू इन दिस वे ऑल्सो. ठीक है, तो आपको जो समझ आए आप उस हिसाब से कर दीजिएगा. ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8. 9632 मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर एंड मीटर में. ठीक है, तो मैं सेकेंड मेथड यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ. इसको आप ब्रेक करिए, 9000 मीटर प्लस 632 मीटर. 9000 मीटर का मतलब है 9 किलोमीटर. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हुए, तो 9 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 9000 मीटर. ठीक है, 632 मीटर. सो यहाँ से क्या आएगा, 9 किलोमीटर एंड 632 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 207 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर और सेंटीमीटर में. तो इसको भी आप ब्रेक करके लिखोगे, 200 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर. नाउ 200 सेंटीमीटर, 1 मीटर में हुए 100 सेंटीमीटर. ठीक है, तो 2 मीटर में कितना होगा, 200 सेंटीमीटर. सो डायरेक्टली यू कैन राइट 2 मीटर 7 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 8:1/2 किलोमीटर. तो पहली बात तो ये हमारा जो नंबर है वो फ्रैक्शन में है, सो यू विल कन्वर्ट इट इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आए उसको प्लस करो. ठीक है, तो 8 × 2+1 और डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ से बनेगा 8 × 16+1/2 किलोमीटर, या फिर 17/2 किलोमीटर. ठीक, आप कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, सो यू विल मल्टीप्लाई विथ 1000 मीटर. अब देखो किससे ये डिवाइड हो सकता है, चेक कर लो. 2 से चला जाएगा 5 times 500, एंड 17 × 500 मीटर इक्वल्स टू 8500 मीटर.
नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर वन, वी हैव टू ऐड 30 किलोमीटर, 200, 2 मीटर एंड 20 किलोमीटर 100 मीटर. सो ऐड करने का तरीका आपको पता है कि किलोमीटर रखो या मीटर रखो. दिस इज 30, 202 एंड यहाँ पर 20, इधर 100. नाउ ऐड दैम. सो 2 + 0 = 2, 0, 2 + 1 = 3, 0, 3 + 2 = 5. सो क्या आंसर मिलेगा? 50 किलोमीटर, 302 मीटर. ठीक है, बट ये रफ कैलकुलेशन करना आपको ज़रूरी है. नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन. मीटर है आपके पास, सेंटीमीटर है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है. सो 66 = 25 सेंटीमीटर, 60 मीटर = 20 सेंटीमीटर. वेरी इजी क्वेश्चन. 5 - 2 = 0, 6 - 6 = 0. सो आंसर इज 6 m 5 cm. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. इट इज़ 520 m × 4. तो देखो, अगर 4 से मल्टीप्लाई करते भी हो तो आपको मिलेगा 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 2080 मीटर. पहला वाला मिल गया, 2080 मीटर हमारे पास आ गया. अब हमने इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर और मीटर में. तो किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2000 m + 80 m. 2000 m का मतलब है 2 किलोमीटर 80 m. ठीक है, 2 किलोमीटर 80 m. नेक्स्ट इज 81 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 9. तो आप यहाँ से देखो, 9 × 1 = 9, 9 × 9 = 81. तो ये बनेगा 9 किलोमीटर. ठीक, अब इस किलोमीटर को आपने चेंज करना है मीटर में. तो 1 km = 1000 m. सो आंसर विल बी 9000 m. ओके, नेक्स्ट इज 334 cm में से आपने माइनस करना है 2 m 34 cm को. सो डू वन थिंग, 2 m 34 cm को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें. इसको लिखोगे आप 2 m + 34 cm. 2 m कैन बी रिटन 2 × 100 cm + 34 cm. यहाँ से आएगा ये 200 cm + 34 cm. ऑन एडिंग यू विल गेट 234 cm. करेक्ट, माइनस करेंगे 334 - 234. सो 4 - 4 = 0, 3 - 3 = 0, 3 - 2 = 1. सो इट्स आंसर इज 100 cm. पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 1. द लेंथ ऑफ पेंसिल दैट इज 2 cm लेस देन 200 mm. 200 mm से 2 cm कम है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू कन्वर्जन. 200 mm को कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में. सेंटीमीटर में ही क्यों कन्वर्ट कर लो? क्योंकि हमारा आंसर क्या है? सेंटीमीटर में है, दैट्स वाई. सो इन 1 cm वी हैव 10 mm एंड इन 1 mm वी हैव 1/10 cm. ठीक है, सो यहाँ से बनेगा 200/10 cm. 0 से 0 कट, कितना आया? 20 cm. तो मतलब कि 20 cm में से आपको माइनस करना है 2 cm, देन यू विल गेट 18 cm. सो लेंथ ऑफ द पेंसिल कितना हो जाएगा? ये 18 cm. नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 cities, दैट इज 50 किलोमीटर मोर देन 6025 m. ओके, तो इसको चेंज करो 6025 को किलोमीटर में, है ना? वैसे तो किलोमीटर मीटर में ही दिया हुआ है, तो एक काम कर सकते हैं हम, किलोमीटर एंड मीटर. ठीक है, तो 50 किलोमीटर है, इधर 0000 इनके पास है, इधर इनके पास किलोमीटर नहीं है, तो 6025 m है. ठीक, तो ये बनेगा 50 किलोमीटर 6025 m. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 cities, दैट इज़ 50 किलोमीटर मोर देन 6025 m. तो यहाँ पर आप एडिशन करेंगे. ठीक, तो ये होगा 50 किलोमीटर एंड 6025 m. 6 है बेटा ये. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग दैट इज 5 × 3 m.
एक बिल्डिंग का हाइट है, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल्स टू कितना है, 5 टाइम्स ऑफ 3 मीटर, तो इसका मतलब 15 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ अ क्लोज्ड पाथ ऑफ 3 राउंड्स ऑफ इट कवर 27 मीटर। एक क्लोज्ड पाथ है जिसके 3 राउंड हैं और ये कितना कवर कर रहा है, 27 मीटर कवर कर रहा है। 3 राउंड्स ऑफ इट कवर 27 मीटर, सो 3 राउंड्स ऑफ 27 मीटर मीन्स लेंथ कितना हो जाएगा, 3 कवर्ड लेंथ, यहाँ पे लिख दीजिए लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाथ इक्वल्स टू बनेगा 3 राउंड्स ऑफ इट कवर 27 मीटर, सो 3 7 जै 21, 3 2 जै 6 प्लस 2 81 मीटर, इट्स आंसर वुड बी 81 मीटर।